हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर ऑफ माय चैनल व्यूअर, मेरा नाम डॉक्टर इनाम रहमान है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं इस चीज़ पे, रेप्स पे। इस चीज़ पे बात करते हैं यानी ह्यूमन रेप्स पे। तो बेसिकली द स्टर्नम मेनेब्रियम यानी इसके साथ अटैच जो बोन होते हैं जो हमारे साथ कॉस्टल कार्टिलेज इन कॉस्टल रिबकेज बनाते हैं, एक्टिविटी बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेप्स कहते हैं। रिप्स की बेसिकली हमारे साथ कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स है। कितने इन 12 जोड़ों में हमने रिप्स को डिवाइड किया है और ये 12 जोड़ी जो है इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में, एंड जिसमें हमारे साथ ट्रू रिप्स है, फॉल्स रिप्स है और फ्लोटिंग रिप्स है। कितने हैं, ट्रू रिप्स है, फॉल्स रिप्स है और फ्लोटिंग रिप्स है। और हमारे साथ कितने तादाद में कितने हैं, 24 रिप्स है कुल हमारे साथ। और उनके पेयर्स हमारे साथ कितना है, यानी 12 पेयर्स है। कितना है, 12 पेयर हैं। हम आगे इन रिब्स को यानी इन पत्तियों को यानी हमने डिवाइड किया है टाइपिकल और ए टाइपिकल रिब्स में। कितने टाइप्स में, यानी इसको आगे हमने डिवाइड किया है टिपिकल और ए टिपिकल रिब्स में। जो टाइपिकल रिब्स है बेसिकली हमारे साथ लॉन्ग होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं और राउंडेड इन गोल होते हैं और पोस्टीरियर और हम बॉर्डर के साथ और इसके साथ जो ग्रुप ये बनाते हैं एक ग्रुप, यानी इस तरह एक इस तरह की शक्ल में होती है, ग्रुप की शक्ल में होती है इंटीरियर बॉर्डर के साथ। आगे ये मकसद अकोमोडेट करते हैं इंटरकॉस्टल यानी रिब्स केज की एक्टिविटी आर्टरीज और वेंस को। जो मेन पॉट से रिब्स की मकसद क्या है, आगे डिस्कस करते हैं एटाइपिकल रिब। एटाइपिकल रिब बेसिकली सबसे पहले ह्यूमन पुख्तिया को क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्लिनिकली ये हमारे साथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारे साथ ब्रॉकियल प्लेक्सिस होते हैं, सबक्लेविंग आर्टरीज होते हैं, यानी इन तीन चीज़ों की स्टडी के लिए ये पहला हमारे साथ इसकी स्टडी जो है इसका मतलब जो हमारे साथ अहम है। क्या है, अहम है बेसिकली ये एटाइपिकल रिब्स जो है हमारे साथ छोटे होते हैं, फ्लैटन होते हैं और ये अटैच होते हैं और इन ऊपर और नीचे कॉर्नर को। फ्लोटिंग रिब बेसिकली या फिर लास्ट जो टू रिब्स है इनको हम इन लास्ट बेसिकली टू पेयर्स और फोर रिब्स को इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि किसी भी अदर बोन्स के साथ अटैच नहीं होते बल्कि ह्यूमन बॉडी में फ्लोट करते हैं। इसके ऊपर जो रिब्स है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्विस्टेड एंड ग्रूव्स एंड अटैच रिब्स कहते हैं। यहाँ पे हमने जो है इन स्टर्नम और मेनेब्रियम की जो डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट किया है, यह इस ऊपर वाले कोने को हम कहते हैं सुप्रा स्टर्नम नोच, इसके आगे इस वाले कोने को हम कहते हैं फेसेट ऑफ क्लेविकल। और यहाँ पे ये जगह हुआ है वही जगह जब कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होती है रिब्स और जो मेनेब्रियम स्टर्नम के बोन को हमारे साथ अटैच करते हैं दूसरी तरफ, यानी कार्टिलेज फेसेट है रिब्स की, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और इस साइड पे हमने जो ह्यूमन बॉडी की जो स्टर्नम मेनेब्रियम बोन की जो पार्ट्स है उसको हमने जो है डिस्कस किया। सबसे पहला पार्ट हमारे साथ मेनेब्रियम है, दूसरा पार्ट हमारे साथ क्या है, स्टर्नम एंगल है और इसके आगे हमारे साथ क्या है, बॉडी है। सो डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर एक वीडियो। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।